आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नवीन जयहिंद सोनीपत पहुंचे, सभा को संबोधित किया और बीजेपी कांग्रेस पर कसा तंज। कहा, आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो है 1 रुपए बिजली यूनिट देना और शिक्षा तथा चिकित्सा का सुधार करना। तो है ये चौकीदार चोर हैं, ये चौकीदार जो रेत रोजगार खाते हैं, चौकीदार किसान की फसल न खाए हैं, इन चौकीदारों के बस का कुछ नहीं है। नकली चौकीदार है, अगर ये सही में चौकीदार है तो असली चौकीदार 4,000 की तनख्वाह ले है, उतनी तनख्वाह ले, अगर ये ले है तो चौकीदार आगा तो फिर ये है ना। हरियाणा दौरे पर आ रहे हैं, लठलाट बजवाने तक आओगे, वो तो आया नहीं करे, कुछ ना कुछ लठे बजवाओगे जाति के नाम पर, धर्म के नाम तक, मैंने कहा मैं उनने करना होगा और वो अपना चला रहे हैं भाई, उनने झूठ की वो के कह रहे हैं झूठ की बेमक झूठ की भाग प्या रखी है लोगों ने, और वो लोगों का अब समझ में आ गया, क्योंकि ये जाति धर्म क्षेत्र के नाम पर राजनीति करने के अलावा इनके बस का कुछ नहीं है। नवीन जी, कांग्रेस ने मैनिफेस्टो, भाई साहब ये तो कुछ भी अपनी बयानबाजी करते रहेंगे, ये जारी होनी चाहिए चीजें कि न करा के बीजेपी काम करा, इतने रोजगार दिए, इतने किसान ना भला करा, इतने स्कूल बनवाए, इतने हॉस्पिटल बनवाए, इतने रोजगार दिए, ये तो बताते कौन है चौकीदार चौकीदार। और धारा 370 को ना हटाने की बात की जा रही है, कांग्रेस मैनिफेस्टो जारी कर रही है, जो उसमें उस उन्होंने बात हमने नहीं लिख रखी, आप करेक्ट करो जानकारी पहले दो, नहीं नहीं उसको मैनिफेस्टो में है पिछले बार वाले में, हम तो इसीलिए तो कहें ये अपना मैनिफेस्टो जनता के बीच में पढ़ते हैं, बरेली हम जा रहे हैं ना, 1,00,000 रुपया नाम देंगे, 370 राम मंदिर की थे, 370 हटाई क्यों ना बीजेपी ने, राम मंदिर बनवाया क्यों ना, काला धन कित गया, तो भाई साहब हम तो कह रहे हैं ये हटानी चाहिए ना, हटाओ ना। नवीन जी का मैनिफेस्टो यो है 1 रुपए बिजली यूनिट 24 घंटे दिल्ली में, हमने तो जो काम कर रखा वो है मैनिफेस्टो, दिल्ली में सरकारी स्कूल हॉस्पिटल 1 नंबर के बना दिए। अर्थ प्रकाश टीवी के लिए सोनीपत से आदेश त्यागी की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।